हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10th लेसन। इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक देखिए। नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के लिए आप क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हो। फ्रेंड्स के साथ में वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, री राइट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। सो व्हाट इज गिवन? स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्टार्टेड अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रिवॉल्यूशनरीज नेम्ड डैश। तो इसका नाम यहाँ पर आएगा मित्र मेला। सेकंड है, इन पंजाब डैश ऑर्गेनाइज एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राम सिंह कूका। थर्ड है, डैश फाउंडेड द इंडिया हाउस, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये तीनों ऑप्शंस आप लोगों को, ये पूरा कंप्लीट वन नेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो यहाँ पर हमें पूरा टेबल कंप्लीट करना है। रिवॉल्यूशनरीज दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं। सो डैश रिवॉल्यूशनरी यहाँ पर हमें लिखना है, और अभिनव भारत दिया हुआ है। यहाँ पर हमें रिवॉल्यूशनरी दिया हुआ है, देन ऑर्गेनाइजेशन हमें लिखनी है। तो चलिए जो फर्स्ट है इसका हम पेज नंबर 45 पे आंसर देखेंगे। रिवॉल्यूशनरी मोमेंट क्या दिया हुआ है, देखो अभिनव भारत। तो अभिनव भारत यहाँ पर है, अभिनव भारत हु स्टार्टेड दी, स्वतंत्रवीर सावरकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वतंत्रवीर सावरकर। देन यहाँ पर लिखना है स्वतंत्र वीर सावरकर, ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष, तो यहाँ पे बरिंद्र कुमार घोष का हम आंसर क्या लिखेंगे, अनुशीलन समिति। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा स्टार्ट किया हो उसने, तो अनुशीलन समिति। चंद्रशेखर आज़ाद इनका है काकोरी कॉन्स्पिरेसी, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ वो भी। ये देखो चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। पेज नंबर 47 के ऊपर है, आप लोग टिक मार्क करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। चाफेकर ब्रदर किल्ड रैंड, तो यहाँ पर ये आंसर हमें पेज नंबर देखिए 45 के ऊपर मिल जाएगा। सो आई विल शो यू दैट। चाफेकर ब्रदर का जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें देखिए, इन 1897 द प्लेग कमिश्नर रैंड हैड रिसोर्टेड टू द टायरेनीज एंड फोर्स वाइल मैनेजिंग द एपिडेमिक्स ऑफ प्लेग्स इन पुणे। एज अ रिवेंज ऑफ साफेकर ब्रदर दामोदर एंड द बालकृष्ण शॉट हिम डेड ऑन 22 जून 1897, ठीक है। तो ये दोनों नेम्स जो है इसको भी आप अंडरलाइन करके रखो, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये जो नेम्स हैं, चाफेकर ब्रदर्स, हु आर दे, चाफेकर ब्रदर कौन कौन है, दामोदर एंड बालकृष्ण, ये दोनों के नेम्स। तो ये मैच द पेयर्स में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है, या फिर चाफेकर ब्रदर और फिर ये 22 जून 1897, ये भी मैच करने के लिए आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है चाफेकर ब्रदर किल्ड रैंड, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के ऑप्शंस में आते हैं आंसर्स लिखने के लिए, तो एक ही में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं यहाँ। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, खुदीराम बोस वाज हैंग्ड टू डेथ, अभी उनको फांसी दी गई है। तो ये पेज नंबर 46 के ऊपर हम मार्क किया हुआ है, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है, इन 1908 द खुदीराम बोस एंड द प्रफुल्ला चक्की मेंबर्स ऑफ द अनुशीलन समिति प्लान टू किल अ जज नेम द किंग्सफोर्ड, बट द व्हीकल्स ऑन विच दे थ्रीव द बॉम्ब वॉज नॉट द वन कैरिंग द किंग्सफोर्ड। टू इंग्लिश वुमेन्स वर किल्ड इन दिस अटैक। देन प्रफुल्ला चाकी शॉट हिमसेल्फ विथ अ बुलेट सो दैट ही विल नॉट फॉल इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। देन खुदीराम बोस वॉज
द कॉट बाय द पुलिस, अभी वो पुलिस के हाथ में पकड़े गए हैं। एंड तो इसके आगे ही हमें लिखना है देयर फॉर, और फिर आगे कंटिन्यू करना है क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दैट क्वेश्चन यू हैव टू कंटिन्यू हियर। ओके चलो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, भगत सिंह एंड द बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, पेज नंबर 48 के ऊपर साइड में ही देख लीजिए। द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस टू बिल्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, देन द कर्टेलिंग्स सिविल राइट्स, कर्टेलिंग्स मतलब जो सिविल राइट्स है उसको कम कर दिया था, कर्टेलिंग मतलब कम करना, लेस करना, टू प्रोटेक्ट इट, भगत सिंह एंड द बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दिस इज द रीज़न, यहाँ से इतना ये रीज़न है ना, तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके ऑपोजिट, उसका विरोध करने के लिए फिर वो लोग ने क्या किया है, बॉम्ब थ्रो किया हुआ है। ओके नेक्स्ट, राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अटैक्स ऑफ द चित्तगोंग आर्मरी। सो दिस आंसर वी हैव हियर, ये देखो यहाँ से लेके पूरा कंप्लीट इतना आप लोगों को, टिल हियर यू हैव टू कंटिन्यू द सेम आंसर, ठीक है, ये वन आंसर है, आप लोगों को ये कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट है स्वातंत्रवीर सावरकर, सॉरी एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्वातंत्रवीर सावरकर इन द आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। चलिए ये आंसर हमें मिलेगा यहाँ फर्स्ट पेज। सो हियर वी हैव दैट आंसर, इन 1900 स्वातंत्रवीर सावरकर, स्वातंत्रवीर ये देखो स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर फाउंडेड द मित्र मेला अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज इन द नासिक, द सेम ऑर्गेनाइजेशन वॉज रीनेम्स एज द अभिनव भारत इन 1904। सावरकर वेंट टू द इंग्लैंड फॉर द हायर एजुकेशन, फ्रॉम देर ही बिगैन द सेंडिंग रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर्स गन्स एक्सेट्रा टू द मेम्बर्स ऑफ द अभिनव भारत इन इंडिया। ही रोट एन इंस्पायरिंग बायोलॉजी ऑफ द जोसेफ मैजिनी द फेमस इटालियन रिवॉल्यूशनरी। द 1857 रेबिलियंस वॉज द फर्स्ट वॉर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस वॉज स्टार्टेड वॉज स्टेट इन द बुक्स द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय हिम, ही मतलब उन्होंने लिखा हुआ है। सो फ्रॉम ईयर टू ईयर वन पैराग्राफ यू हैव टू कंटिन्यू, पैराग्राफ यहाँ फोटो है इसके लिए थोड़ा बड़ा लिख रहा है ऐसे, बट एक्चुअली दिस इज़ वेरी शॉर्ट आंसर, तो आप लोगों को प्रॉपरली लर्न करना है और टेक्स्ट बुक से ही ज़्यादातर आप लोग लर्न करो, बिकॉज जब हम टेक्स्ट बुक से लर्न करते हैं तो टेक्स्ट बुक का जो पेज है अपने माइंड में एक तरह से उसका इमेज रहता है, तो आंसर आप क्वेश्चन पर रीड करोगे ना तो ये जो इमेज है आपके सामने रहेगा, यू कैन फाइंड आंसर इजीली, इसीलिए बुक से ज़्यादा रीड करो आप लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम आगे का लेसन देखेंगे, और वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं वर्कबुक के आंसर्स भी शेयर करूँगी। टिल देन बाय बाय, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ, बाय बाय।